रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे अपने अपने घरों में। और आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू गोश्त, चिकन और आलू गोश्त। हमने चिकन ले लिया है 1 kg, इसे वाश कर लिया है। 2 पोटैटो है हमारे पास, 2 ओनियन है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और स्पाइसेस में हमारे पास हैं ये रेड चिली है, साल्ट है हाफ टी स्पून, ये भी हाफ टी स्पून है, और गर्म मसाला भी हाफ टी स्पून है, और यहाँ हमारे पास चिकन मसाला है वो भी हाफ टी स्पून है। यहाँ हमारे पास टमाटर हैं जो कि हमने 2 टमाटो लेके ऐसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिए हैं, और हमारे पास 2 से 3 चिली है। पर हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये हमने ऑयल डाल लिया है, ऑयल गर्म हो रहा है, ये अभी इसमें डाल देंगे ऑनियन। इसे हम फ्राई करेंगे तकरीबन जब ये लाइट ब्राउन हो जाए। हाँ जी, हमने ये इतना ब्राउन कर लिया है, देख लें। अभी हम इसमें शुगर डाल देंगे जो हमने वॉश की हुई है। आज से स्लो कर लेंगे। जो हमने चिकन अब डाल दिया था, पहले ऑनियन को हमने ब्राउन किया, फिर उसमें चिकन डाला है, अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, तकरीबन इसे हम 3-4 मिनट तक भूनेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को, और वाइट चिकन हो जाए फिर इसके बाद आपको बताते हैं। 3 मिनट तक हमने भून लिया और हमारा चिकन वाइट हो गया है। अब इसमें हम टोमेटो डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे, फिर इसे मिक्स कर देंगे। तो ग्रीन चिली को हमने मिक्स इसमें कर दिया है, अब तकरीबन इसे हम 10 मिनट तक भूनते रहेंगे इसका ब्राउन कलर आने तक। हमने 2 कप पानी ऐड किया है, टमाटर और ग्रीन चिली डाल दिया, अब इसे ढककर हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। था इसे अभी 5 मिनट हुए हैं, बीच में इसे देखते भी रहना है, और अभी भी इसमें पानी है, 5 से 7 मिनट और लगेंगे इसका पानी खुश्क होता है, तो फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। अब हल्का सा पानी इसमें रह गया है, तो हम साथ ही इसमें पोटैटो डाल देंगे, इसमें सारे स्पाइसेस भी चले जाएंगे, और थोड़ा सा पानी अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने मसाले और आलू इसमें मिक्स कर लिए हैं, तकरीबन इसमें पानी भी है, अभी हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए भुनेंगे, ढक कर पकाएंगे। हमारा गोश्त भुने हो रहा है और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं अभी, लेकिन इसे पकने में तकरीबन 7-8 मिनट और लगेंगे। अच्छी तरह हम इसे भुनेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे, और फिर ढक्कन दे देंगे। अभी हमने इसे चेक कर लिया है, अभी फिर ढक्कन दे देंगे, थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे अगर हमें ज़रूरत हो, अभी तो इसका पानी है, और इसे भूनते जाएंगे और देखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा साथ साथ। गोश्त भुन चुका है और देखें इसने आयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे आप स्पाइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, फिर हम आलू गोश्त का शोरबा बना रहे हैं तो हमें फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इतना हम पानी डालेंगे कि इसका थोड़ा सा शोरबा बन जाए। हमने तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया, आलू गोश्त का शोरबा रेडी हो चुका है, हमारे पोटैटो गल चुके हैं और चिकन भी, और हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये आलू गोश्त का शोरबा रेडी हो चुका है, ये इसका फाइनल लुक, और आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।